आज हमने इंस्टेंट मिठाई बनाया है, आप भी मेरे तरीके से झटपट में 5 मिनट में मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने इसमें क्या क्या सब सामग्री का इस्तेमाल किया है। 3 से 4 सामग्री का इस्तेमाल हमने किया और 5 मिनट में मिठाई बन करके तैयार होता है। एक मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ, देखिए अंदर तक कितना अच्छा लग रहा है देखने में। यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अपने भी बना करके खिलाएं, पूरे परिवार को बना करके खिलाएं, सभी को आपकी बहुत ही तारीफ करेंगे। तो मैंने 400 ग्राम के करीब पेठा ले लिया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है, इलायची है, डेसिकेटेड कोकोनट है। तो देखिए आगे मैंने कैसे कैसे बनाया, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और मेरे तरीके से बनाएं। 400 पेठा को लेकर के आप एक प्लेट ले लें, उसमें कद्दूकस की सहायता से सभी को कद्दूकस कर लें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये मिठाई आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक एक करके सभी को कद्दूकस कर लें, एकदम आसानी से कद्दूकस हो जाता है। थोड़ा सा मोटा पार्ट अगर बचता है तो बाद में भी उसको भी कद्दूकस कर लें, आसानी से हो जाता है। मैंने सभी को देखिए कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद इसमें फ्लेवर के लिए हमने इलायची डाला है, इलायची डाल दें। इलायची डालने के बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, मैंने काजू और किशमिश इसमें डाला है। आप चाहे तो दूसरा कोई भी डालना चाहते हैं, पिस्ता वगैरह, तो वो भी डाल सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स इसमें मिला सकते हैं। इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं या तो डाल भी सकते हैं। डालने के बाद होता है क्या कि इस मिठाई का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। सभी को मिला लें। मिलाने के बाद छोटा छोटा लड्डू बना लें। मेरे चैनल पर बहुत सारे इस तरह की मिठाई दी हुई है जो कि इंस्टेंट है, झटपट में बन करके तैयार हो जाता है। आप मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं। देखिए सभी का छोटा छोटा मैंने लड्डू बना लिया। आप चाहे तो इसका बर्फी भी बना सकते हैं। बर्फी वाला ट्रे में आप इसको सारा सेट कर ले। सेट करने के बाद बर्फी के साइज में काट करके अब फिर से इसको डेसिकेटेड कोकोनट में कोट कर देंगे। वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है वो भी। देखिए सारा लड्डू हमने तब तक बना करके तैयार कर लिया। बनाने के बाद ये हमने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया, उसमें एक एक करके सभी को कोट करते जाए और दूसरा प्लेट में इसको रखते जाए। आपने पेठा तो बहुत बार खाया होगा, मेरे तरीके से आप पेठा का ये लड्डू बना करके खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए सभी को हमने बना करके एक प्लेट में रख लिया है। जितना देखने में सुंदर है उतना खाने में भी टेस्टी लगता है। आप अपने रिलेशन में भी गिफ्ट के तौर पर इसको दे सकते हैं। ये देखिए लड्डू बन करके तैयार है। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।